ग्रेटर नोएडा के हिमसागर सोसाइटी के सचिव ने एक चिट्ठी जारी की। चिट्ठी में लिखा था कि सोसाइटी में रहने वाले लोग कृपया लुंगी और नाइटी पहनकर ना घूमे, इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लेटर जैसे ही किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, मामला वायरल हो गया। कई लोग तो तुरंत बैरिस्टर बन गए, कई फेसबुक या क्रांतिकारियों ने तो इसे आर्टिकल 19 का उल्लंघन तक बता दिया, किसी ने तो डेमोक्रेसी पर हमला तक बोल दिया। अच्छा हुआ कि प्रधानमंत्री से किसी ने इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन बाकी सब हो गया। आरडब्ल्यूए के इस लेटर से प्याज से लेकर प्यास तक, महंगाई से लेकर ईवीएम मशीन तक, मस्जिद की जमीन से लेकर मुल्क की ख्वातीन तक, हर मुद्दे पर लोग ज्ञान देने लगे। लेकिन जब हिमसागर सोसाइटी के अध्यक्ष सीके कालरा से हमने बात की तो पता चला कि असली कहानी आखिर है क्या। दरअसल कुछ दिन पहले कुछ महिलाएं सोसाइटी के अंदर बैठी हुई थी, उसी समय एक शख्स लुंगी पहनकर आया, अलोम विलोम कपाल भाती करने लगा, जिसे देखकर महिलाएं अनकंफर्टेबल हो गईं और फोटो खींचकर सोसाइटी के सचिव को भेज दी, जिसके बाद से ही मामले में गर्मी आई। हालांकि अध्यक्ष सीके कालरा का कहना है कि उन्होंने कोई भी फरमान नहीं सुनाया है, बस लोगों से रिक्वेस्ट की है कि कपड़ों का ध्यान रखें। टोली सर, सर्कुलर जारी किया गया था, क्या कहना है आपका हमारे में? इस सर्कुलर में हमारा अनुरोध ही किया था, कुछ लोगों की शिकायतें आई थी कि कुछ लोग ढंग के कपड़े नहीं, योगा के टाइम में लुंगी ढंग से नहीं पहनते हैं, तो हमने इस पर जो है एक अनुरोध किया लोगों को कि ये लुंगी वगैरह ढंग से पहने या ना पहने, यही अनुरोध किया था। और इसमें कोई हमारी कोई गलत मंशा नहीं थी, किसी को भी किसी के रिलीजस या उसके ऊपर कोई भी सम्मान को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई ध्येय नहीं था। लोगों ने किस तरीके की शिकायत की थी आपसे? लोगों ने ये शिकायत की थी कि नीचे एक दो बुजुर्ग बैठते हैं, जब वो योगा करते हैं तो लुंगी उनकी ढंग से नहीं होती, ऊपर हो जाती है, वो नीचे कभी कुछ नहीं पहने होते, तो इसलिए कुछ महिलाओं ने भी शिकायत की, तो उस पर हमने रिक्वेस्ट कर दिया, यही हमारा इंटेंशन था। नाइटी को लेकर भी कोई ऐसा आदेश था? नाइटी को लेकर ऐसा कोई आदेश नहीं था, इसलिए हम से शायद कोई गलती हो गई होगी। अभी सर दूसरा कोई नोटिस जारी कर रहे हैं? हाँ, एक नोटिस जारी कर रहे हैं जिसमें मैं लोगों को हिमसागर वासियों को समझा रहा हूँ कि हमारा कोई गलत उद्देश्य नहीं था इस चिट्ठी में, और किसी की भी भावनाओं को हर्ट करने का हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। शिकायत आई थी इसलिए हमने ये परिपत्र जारी किया। खैर, इस मामले पर आरडब्ल्यूए मेंबर्स के बीच में आम सहमति बन गई है, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर ये लेटर खूब वायरल हो रहा है। ग्रेटर नोएडा से अरुण त्यागी की रिपोर्ट, यूपी तक।